स्वागत है आपका हमारे चैनल ट्यूबलाइट कॉरपोरेशन पर। आशा करते हैं आप लोग सब अच्छे होंगे। आज शुरू करते हैं, डिस्कस करते हैं मलेशिया के बारे में। मलेशिया आप कैसे एक्सपोर्ट करोगे इंडिया से, यानी हाउ टू एक्सपोर्ट टू मलेशिया फ्रॉम इंडिया। आज मलेशिया के बारे में डिस्कस करेंगे। मलेशिया कहाँ पर है, कहाँ पर लोकेटेड है, मलेशिया में आप क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, मलेशिया का जो इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक स्टेटस हम बात करेंगे। मलेशिया से आप क्या इंपोर्ट कर सकते हो, क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो। लेकिन फिलहाल जो हमारा ये टॉपिक है, मलेशिया में आप क्या एक्सपोर्ट करोगे भारत से, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है, हमारा जो ये वीडियो हम बना रहे हैं, ज़्यादा करके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है। एक्सपोर्ट के बारे में हम बताते हैं, इम्पोर्ट के बारे में नहीं बताते, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अगर भारत से आप एक्सपोर्टर हो, भारत का एक एक्सपोर्टर कंपनी है आपका, आप भारत से ज़्यादा एक्सपोर्ट करिए, ताकि हमारा देश आगे बढ़े, हमारा देश का जो इकोनॉमिकली और जो भी प्रॉब्लम्स चल रहा है, जॉब्स का प्रॉब्लम है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, तो आगे अगर हम लोग मिलके एक्सपोर्ट करते रहेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो आइए बात करेंगे मलेशिया के बारे में। मलेशिया जो है एक साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है, एक देश है, और ये जो उनका जो सराउंडेड नेबरिंग कंट्रीज है, सिंगापुर, इंडोनेशिया, वियतनाम, फिलीपींस और साउथ चाइना सी। सिंगापुर जो है बहुत नज़दीक है, उनका एक बहुत नज़दीक है। 1965 में जो मलेशिया बना, तो मलेशिया जब बना था 1965 में, मलेशिया एक नया कंट्री, यंग कंट्री था, और सिंगापुर से भी अलग हो गया, सिंगापुर को उन्होंने अलग कर दिया। तो उस बारे में हमने पहले वीडियो बना चुके हैं, सिंगापुर और मलेशिया क्यों अलग हुए, पहले हम वीडियो बना चुके हैं। फिलहाल हम मलेशिया के बारे में बात करेंगे। तो मलेशिया जो है एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है। तो 1965 में जब मलेशिया बना, तो उस समय मलेशिया में ज़्यादा करके जो मलयो मुस्लिम्स, भारत के जो तमिल लोग और चाइनीज़ बस गए थे। तो मलेशिया जब बना 1965 में, मलेशिया का गवर्नमेंट, मलेशिया का सरकार, मलेशिया का ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर ध्यान दिया और एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया और टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया। तब से लेकर 1965 से लेकर अब तक 2020 तक आप देखिए, मलेशिया एक मल्टीकल्चरल कंट्री, मल्टीकल्चरल सोसाइटी, एक रिच कंट्री बन गया साउथ ईस्ट एशिया में, और एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंपनी, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री इन ईस्ट एशिया, जापान चाइना सिंगापुर, मलेशिया, साउथ कोरिया, ये जो कंट्रीज आप बता दिया, ये सब एशियन टाइगर्स है। और मलेशिया आज है वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। मलेशिया का जो लोग बहुत रिच है, और मलेशिया में जो आज प्रोग्रेस हुआ है बिकॉज ऑफ एक्सपोर्ट। तो मलेशिया ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, मलेशिया का सरकार ज़्यादा एक्सपोर्ट के ऊपर ध्यान दिया, टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया। तो आज मलेशिया में करीब 2,60,00,000 टूरिस्ट हर साल विजिट करते हैं। तो मलेशिया का पॉपुलेशन कितना है, बात करेंगे, करीब 3 करोड़ के ऊपर इनका पॉपुलेशन है, करीब 3 करोड़ के ऊपर पॉपुलेशन है, और करीब 20 लाख इंडियंस है, और जो इंडियंस लोग हैं ज़्यादा करके तमिलनाडु से है, तमिल लोग हैं। और मलेशिया में ज़्यादा करके जो उनका जो रिलीजन्स है, इस्लामिक कंट्री है, मलेशिया एक इस्लामिक कंट्री है, और ज़्यादा उनका जो मलयो है, मलयो यानी जो मुस्लिम इस्लामिक लोग हैं, मुस्लिम लोग हैं, मलेशिया का जो नेटिव लोग हैं वो मलयो कहते हैं उनको, और उनका जो भाषा लैंग्वेज बोलते हैं उनको भी मलयो और कई मलाई भी बोलते हैं। और सेकेंड पॉपुलेशन है चाइनीज़ है, और थर्ड है तमिल, भारत के जो तमिल लोग हैं वहाँ बस गए हैं। तो वहाँ 3 भाषा चल रही है, मलयो, चाइनीज़ और तमिल, और ज़्यादा करके लोग इंग्लिश भी वहाँ बोलते हैं, इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। और मलेशिया का जो मलय लोग हैं, जो मुस्लिम्स समुदाय लोग हैं, वो ज़्यादा करके जो मलेशिया का जो पॉलिटिकल में भाग लेते हैं, गवर्नमेंट जॉब में भाग लेते हैं, और चाइनीज़ जो लोग हैं, चाइनीज़ ज़्यादा करके बिजनेस में इन्वॉल्व है, ज़्यादा करके बड़े बड़े जो बिजनेस है, कंपनीज है मलेशिया का, वो डिपेंड करते हैं, वो चाइनीज़ लोग ज़्यादा करते हैं, चाइनीज़ लोग जो मलेशियन चाइनीज़ है वहाँ ज़्यादा बिजनेस करते हैं, बिजनेस में इन्वॉल्व है। और तमिल जो है, बाकी जो तमिल है और दूसरे जो रिलीजन लोग रहते हैं वहाँ पर,
वो सर्विस सेक्टर में काम करते हैं, छोटे मोटे बिजनेस करते हैं, ऐसे रहते हैं। तो वहाँ का मलेशिया एक इस्लामी कंट्री है, लेकिन ये मल्टी कल्चरल सोसाइटी और फ्री सोसाइटी है। ये इनका जो सरिया लॉ टाइप का नहीं है, आप अगर मलेशिया विजिट करोगे उनका जो ग्रोसरी में आपको अल्कोहलिक ड्रिंक्स भी मिल जाएगी। और वहाँ पर टूरिज्म बहुत आगे बढ़ गया है, आज के तारीख में टूरिज्म बहुत आगे बढ़ गया है। हर साल करीब 2 करोड़ 60 लाख 2 करोड़ 50 लाख के ऊपर टूरिस्ट वहाँ दुनिया भर के आते हैं। और मलेशिया में 700 के ऊपर 700 के ऊपर बड़ा बड़ा शॉपिंग मॉल से पूरी कंट्री में। कुआलालंपुर है उनका राजधानी है, कुआलालंपुर बहुत बड़ा खूबसूरत सिटी है। कुआलालंपुर बहुत सारे बड़े बड़े जो कंपनीज, वर्ल्ड का बड़े बड़े कंपनीज का वहाँ पर ऑफिस है। और मलेशिया का जो 700 मॉल से, बड़े बड़े मॉल से और होलसेलिंग मॉल से पूरी मलेशिया में फैला हुआ है। मलेशिया क्या करता है, एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंट्री है, एक्सपोर्ट करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है। उनका मेन प्रोडक्ट है पाम ऑयल। पाम ऑयल जो है मलेशिया में ग्रो, एग्रीकल्चर में ग्रो किया जाता है। पाम ऑयल एक्सट्रैक्ट करते हैं, ऑयल बना के पूरा दुनिया भर को एक्सपोर्ट करते हैं। और इंडिया जो है बिगेस्ट इम्पोर्टर्स ऑफ पाम ऑयल फ्रॉम मलेशिया। मलेशिया इंडोनेशिया भी बहुत सारे उनका जो प्रोडक्ट है पाम ऑयल इंडिया भी इम्पोर्ट करती है। इंडिया के पास इतना ऑयल का जो सफिशियंट नहीं होता है, क्योंकि इंडिया ज़्यादा करके रशिया से और यूक्रेन से जो वेजिटेबल ऑयल, सनफ्लावर ऑयल इम्पोर्ट करती है, और मलेशिया से ज़्यादातर से पाम ऑयल इम्पोर्ट करती है। और मलेशिया का बहुत सारे जंगल है, पहाड़ी है। मलेशिया का जो टिम्बर्स है, वुड है, बहुत सारे वुडन प्रोडक्ट हैं उनके पास, फर्नीचर्स अच्छा बनाते हैं। और मलेशिया जो है पाम ऑयल एक्सपोर्ट करता है, फर्नीचर वुडन प्रोडक्ट्स लाइक टिम्बर वगैरह एक्सपोर्ट करता है, केमिकल्स पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, और बहुत सारे चीज़ वो मलेशिया एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर को। और उनका जो मेन इम्पोर्टिंग पार्टनर है, आई मीन जो मलेशिया कहाँ कहाँ से इम्पोर्ट करता है, वो है फर्स्ट है चाइना और सिंगापुर, इंडोनेशिया, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड स्टेट्स। तो मलेशिया क्या करता है, मलेशिया जैसा टूरिज्म के ऊपर ध्यान देता है। मलेशिया का मैं बता दिया कैसे आपको, उनका जो करीब 2 करोड़ 50 लाख के ऊपर उनका जो पॉपुलेशन है, मैंने गलत कह दिया पहला, 3 करोड़ बता दिया, लेकिन 2 करोड़ 50 लाख के ऊपर उनका जो 2 करोड़ 15 लाख उनका जो पॉपुलेशन है। और उनका जो करीब 20 लाख इंडियंस वहाँ रहते हैं, ज़्यादा चाइनीज है और उससे ज़्यादा मलयो यानी मलेशियन है। सो मलेशिया का जो गवर्नमेंट ने क्या किया, टूरिज्म के ऊपर ध्यान दिया। दुनिया भर के करीब 2 करोड़ 50 लाख 2 करोड़ 60 लाख के करीब टूरिस्ट वहाँ मलेशिया हर साल विजिट करते हैं। मलेशिया का बहुत सारे टूरिज्म प्लेसेस है, बहुत सारे जो सुंदर जो जगह है टूरिज्म प्लेसेस है मलेशिया ने डेवलप किया, बनाया, ताकि बाहर के जो टूरिस्ट आते हैं विजिट कर सके। और 700 जो मॉल्स बनाया है, 700 मॉल में दुनिया भर के बहुत सारे कंट्री से जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अवेलेबल रहता है, सेल करते हैं। तो मलेशिया क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है और बहुत सारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट करती है, क्योंकि उनका जो टूरिस्ट आता है उनको बेचने के लिए। सो मलेशिया क्या करता है, बहुत सारे प्रोडक्ट चाइना से इम्पोर्ट करता है, साउथ कोरिया से, जापान से, यूनाइटेड स्टेट से इम्पोर्ट करता है, इंडिया से इम्पोर्ट करती है, सिंगापुर, इंडोनेशिया से इम्पोर्ट करती है। तो बहुत सारे ब्रांडेड प्रोडक्ट, बहुत सारे प्रोडक्ट इम्पोर्ट करके मलेशिया फिर उसको रीएक्सपोर्ट करता है और अपना जो मॉल्स में सेल करता है। तो मलेशिया इसी वजह से काफ़ी आगे है, मॉडर्न बन गया है और रिच बन गया है। तो मलेशिया 1965 में बना, 2020 तक वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन साउथ ईस्ट एशिया। और हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ और अभी तक हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं एक वन ऑफ ए लाइक रिच कंट्री बनने के लिए। एनीवे हम लोग कोशिश करना चाहिए, एक्सपोर्ट में ध्यान देना चाहिए हमारे देश में, और हम लोग टूरिज्म में ध्यान देना चाहिए ताकि हम आगे बढ़ सके, हमारा इकोनॉमी आगे बढ़ सके। तभी हम बात करेंगे मलेशिया में हम इंडिया से क्या एक्सपोर्ट करेंगे। देखो मलेशिया जो है बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया को एक्सपोर्ट करता है, जैसे कि बोला आपको टिम्बर्स, वुड, फर्नीचर्स, केमिकल्स भी एक्सपोर्ट करता है, और वुडन प्रोडक्ट और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट वगैरह, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स और पाम ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करता है। और इंडिया अभी तक वन ऑफ ए 10 ट्रेडिंग पार्टनर इम्पोर्टर्स ऑफ मलेशिया बना नहीं, क्योंकि मलेशिया ज़्यादा करके इम्पोर्ट करता है चाइना से, इंडोनेशिया से, जापान से, साउथ कोरिया से, सिंगापुर से,
इंपोर्ट करता है, तो हम इंडिया का एक्सपोर्टर, अगर आप इंडियन एक्सपोर्टर हो, आपको कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा मलेशिया एक्सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि एक एडवांटेज है वहाँ 20 लाख इंडियन रहते हैं और मल्टीकल्चरल लोग रहते हैं काफ़ी, ऑस्ट्रेलियंस है, सिंगापुरियन है, चाइनीज है, अमेरिकन है, यूरोपियंस है, तो बहुत सारे जो मल्टीकल्चरल लोग हैं वहाँ रहते हैं और हमारा इंडिया का प्रोडक्ट आप इजीली वहाँ एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और इंडिया से ज़्यादा करके राइस एक्सपोर्ट होती है और वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, ऑनियन, गार्लिक, ये सब जो प्रोडक्ट है एक्सपोर्ट होती है। तो आइए मैं बताता हूँ आपको मलेशिया में, और मलेशिया का जो करेंसी है इंडिया से बहुत हाई है, मलेशिया का करेंसी को कहते हैं रिंगिट। एक रिंगिट जो है, वन रिंगिट इंडिया का 17 रुपया आज के तारीख में 17 रुपीस मिलेगा। सो ऑलमोस्ट उनका जो एक्सपोर्ट के वजह से उनका जो करेंसी बहुत हाई में, अभी हाईली हाई में रहा है, क्योंकि उनका जो टूरिज्म में मलेशिया फॉरेन करेंसी उनको मिलता है, फॉरेन करेंसी रिजर्व है और ज़्यादा एक्सपोर्ट की वजह से उनका फॉरेन करेंसी रिजर्व है, इसलिए उनका पैसा, उनका जो करेंसी हाई है इंडिया से। मैं पहले एक वीडियो बना चुका हूँ हाउ टू एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उस वीडियो में आप अगर यूट्यूब में जाकर सर्च करोगे हाउ टू एक्सपोर्ट, हाउ टू स्टार्ट एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया, उस एक्सपोर्ट में मैं बता चुका हूँ, कोई भी देश में अगर फॉरेन करेंसी रिजर्व है, कोई भी देश अगर ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है तो उनका करेंसी आगे बढ़ता है, उनका करेंसी का वैल्यू आगे रहता है और उनका जो इकोनॉमिक अगर ज़्यादा ऊपर रहता है और उनका जो जॉब का जो प्रॉब्लम रहता है, जो जॉब अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम नहीं रहता है। तो इसलिए आप अगर भारत में हो, ज़्यादा से ज़्यादा आप एक्सपोर्ट करने को कोशिश करिए, इम्पोर्ट ज़्यादा मत करिए। तो अभी हम देखेंगे कि भारत से क्या क्या प्रोडक्ट आप मलेशिया एक्सपोर्ट कर सकते हैं, आइए मैं दिखाता हूँ। सो ये जो प्रोडक्ट आपको मैं दिखा रहा हूँ, मेन प्रोडक्ट है सुबह। आप इंडिया से क्या एक्सपोर्ट कर सकते हैं, मशीनरी, कोई भी मशीनरी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का चीज़ कोई भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, और प्लास्टिक एक्सपोर्ट कर सकते हो, व्हीकल्स, आयरन स्टील, केमिकल्स, एग्रो प्रोडक्ट यानी स्पाइसेस, इंडियन स्पाइसेस, मसालाज वगैरह, वेजिटेबल्स और शुगर, राइस, टी वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। देखिए मलेशिया में बहुत सारे इंडियंस हैं और मलेशियन लोग जो है कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, इसलिए आप शुगर, चाय, टी वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, जितना तादाद से राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, क्योंकि मलेशियन लोग हैं राइस ईटर, वो लोग राइस हमेशा खाते हैं और मलेशिया री एक्सपोर्ट भी करता है, राइस वगैरह इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट भी करता है। तो इसलिए आप कितना वेराइटीज ऑफ राइस, बासमती, नॉन बासमती राइस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो इंडिया से, और वेजिटेबल फ्रूट्स भी एक्सपोर्ट कर सकते हो, इंडियन स्पाइसेस बहुत चलते हैं वहाँ पर, आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। और आपको मैं जितना और गारमेंट्स, जितना आपने जो इंडिया का जो आप मलेशिया का मुस्लिम कंट्री है, मलेशिया का जो नेबरिंग कंट्रीज है इंडोनेशिया, ब्रुनेई, ये सब इस्लामी कंट्री है, तो इसलिए आप इंडिया से जो टोपी वगैरह, कैप, मुस्लिम लोग जो यूज करते हैं लुंगी और खादी और अंडरवेयर, वाइट कलर का अंडरवेयर, कैप वगैरह आप कितना तादाद से आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये प्रोडक्ट आपको इंडिया का जो तमिलनाडु के तिरुपुर में मिल जाएगी। तो जितना गारमेंट्स जो है, देखिए मलेशिया और इंडिया का जो कल्चर सिमिलर है, इसलिए जितना टाइप का गारमेंट्स आप इंडिया से एक्सपोर्ट कर सकते हो, गारमेंट, टेक्सटाइल, अपेरल्स वगैरह आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, जितना प्रोडक्ट आपको मैंने दिखा रहा हूँ आपको, तो आप इस प्रोडक्ट, जितने प्रोडक्ट मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रोडक्ट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, ताकि आप हमेशा हमारा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में जाइए, डिस्क्रिप्शन में जाके आप पूरी प्रोडक्ट पढ़ लीजिए, फिर उस हिसाब से आप एक्सपोर्ट करना प्लान करिए। और हमेशा इंडिया का जो पोर्ट है, ज़्यादा करके इंडियन पोर्ट्स है, अपना जो तमिलनाडु में पोर्ट्स है, कलकत्ता का पोर्ट्स है, वहाँ से शिप्स यानी जहाज मलेशिया जाती है। आप हमेशा cogoport.com यूज़ करिए, cogoport.com, नीचे देखिए cogoport.com में आप लॉगिन करके प्राइस देख लीजिए, इंडियन पोर्ट से मलेशियन पोर्ट में प्राइस आप देख लीजिए, कार्गो का प्राइस देख लीजिए। सो अभी हम बात करेंगे मलेशिया का जो पोर्ट के बारे में, मलेशिया का करीब 11 पोर्ट्स है, 11 पोर्ट्स जो है
बहुत इम्पोर्टेंट पोर्ट्स हैं। देखिए मलेशिया और सिंगापुर क्यों आगे बढ़ गया, मलेशिया सिंगापुर जो है वो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, उनका जो कंट्री है आइलैंड टाइप का है और चारों बाजू चारों तरफ पोर्ट बना सकते हैं, और जितना जहाज जितना शिप्स जापान से लेकर साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया चाइना फिलीपींस जितना शिप्स आते हैं मलेशिया सिंगापुर होके निकलते हैं, कहाँ पर निकलते हैं, इंडियन ओशन होकर मिडल ईस्ट मजफ्फरपुर होकर अमेरिका और यूरोपियन कंट्री अफ्रीका जाते हैं। तो ये जो रूट है शिपिंग रूट है बहुत इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड के लिए, बहुत इम्पोर्टेंट है और काफ़ी वर्ल्ड का जो 40% जो जहाज है यही रूट से निकलते हैं, ये शिपिंग रूट से निकलते हैं। तो इसलिए मलेशिया और सिंगापुर आज एक जो उनका जो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इसीलिए एक्सपोर्ट की वजह से वो लोग बहुत आगे निकल गया। हमारा भारत में भारत का जो पोर्ट्स है लोकेटेड है वो भी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, लेकिन काफ़ी सारे जो शिप्स होते हैं जहाज होता है श्रीलंका के नीचे होके मालदीव के ऊपर होकर निकल जाते हैं, बहुत सारे शिप जो डायरेक्ट निकलते हैं। फिर भी हम भारत से ज़्यादा बहुत कुछ आगे कर सकते हैं अगर भारत में जो हमारा बहुत सारे आइलैंड्स है जैसा कि अंडमान निकोबार आइलैंड्स है और मिनिकॉय और लक्षद्वीप वगैरह है उस तरफ अगर फ्री जोन बनाते हैं शिपिंग पोर्ट बनाते हैं, या हमारा जो तमिलनाडु केरल के साइड में अगर फ्री जोन बनाते हैं शिप के लिए और बहुत सारे शिप वहाँ से आके रुक सकता है और बहुत सारे कंपनी बन सकता है, क्योंकि फ्री जोन में देखिए जैसे दुबई आगे बढ़ गया है फ्री जोन के लिए, तो अगर फ्री जोन बनेगी 100% टैक्स फ्री रहेगा कंपनी को, तो फिर बहुत सारे कंपनी वर्ल्ड वाइड आके इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो बहुत सारे जहाज भी शिप भी आएंगे माल लेने के लिए प्रोडक्ट लेने के लिए। इसलिए भारत सरकार हमारा जो कंट्रीज जो बीचेस है जैसा कि कलकत्ता से लेकर उड़ीसा आंध्र प्रदेश तमिलनाडु केरल गोवा महाराष्ट्र गुजरात ये जो हमारा जो पोर्ट्स वगैरह है अगर भारत सरकार हर स्टेट में फ्री जोन बनाए, फ्री जोन में लाइक 50 ईयर्स तक टैक्स फ्री करे और बहुत सारे कंपनी आके वहाँ मैन्युफैक्चरिंग करेंगे वहाँ से एक्सपोर्ट होगा और हमारे लोग को ज़्यादा नौकरी मिलेगा, ये एक मैंने बता दिया। एनीवे मैं अभी बताऊंगा कि मलेशिया का पोर्ट के बारे में, मलेशिया का करीब 11 पोर्ट है ऑपरेशनल पोर्ट है बहुत स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अच्छे पोर्ट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ वो पोर्ट कौन सा इंपॉर्टेंट पोर्ट्स है जो मलेशिया को इकोनॉमिकली हेल्प करते हैं मदद करता है। ये देखिए पेनांग जो पोर्ट है उनका जो मेन पोर्ट है पेनांग पोर्ट केलांग मुआर है, जितना पोर्ट आपको दिखा रहा हूँ सरावक जो है वेस्टर्न ईस्टर्न पार्ट में है पूरा पोर्ट आपको देख लीजिए, और उनका पूरा पोर्ट आप देख लीजिए, और मलेशिया का जो मेन एयरपोर्ट है कुआलालंपुर में कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये उनका मेन कार्गो स्टेशन है कार्गो एयरपोर्ट है। अगर आप कार्गो में कुछ भेजना चाहते हो तो आप मलेशिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुआलालंपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट सर्च करिए इंडिया से तो आपको प्राइस मिल जाएगी, और पोर्ट का जो है कोगो पोर्ट में आपको कार्गो प्राइस जहाज का पोर्ट का आपको मिल जाएगी। तो आपको मैं बता दिया पूरा डिटेल्स मलेशिया में आप क्या क्या एक्सपोर्ट कर सकते हो, और हमेशा आप हमारा जो ये वीडियो है वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में जाइए मैं पूरी तरह ऐड कर देता हूँ क्या क्या प्रोडक्ट आप भेज सकते हैं, क्योंकि स्क्रीन में दिखाना इतना पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारे प्रोडक्ट इंडिया एक्सपोर्ट करता है, तो आप हमेशा जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए। अभी हम बात करेंगे मलेशिया में आप कैसे ऑर्डर लोगे, मलेशिया में अगर इंडिया में हो आप कैसे ऑर्डर लोगे, तो आप बैठ तो आप मलेशिया विजिट कर सकते हो मलेशिया कलकत्ता और बेंगलोर चेन्नई से फ्लाइट बहुत सस्ता है मलेशिया, आपको लाइक 15,000 में रिटर्न फ्लाइट मिल जाएगी क्योंकि तमिलनाडु से चेन्नई से लेकर कुआलालंपुर बहुत सारे फ्लाइट्स है। तो आप अगर मलेशिया विजिट करिए एक बार तो चेन्नई से या कलकत्ता से फ्लाइट बहुत सस्ता है, और मलेशिया का जो वीज़ा है ऑनलाइन वीज़ा आपको मिल जाएगी, वीज़ा जो है आपको एक दो दिन में 24 आवर्स में आपको वीज़ा मिल जाएगी इंडियन लोग के लिए, और वीज़ा लेके आप मलेशिया चले जाइए
booking.com में आप टिकट ले लीजिए, आपके पास कोई $500,000 आपके पास कैश होना चाहिए। फिर आप मलेशिया में जाके, मलेशिया में भी है इंडियन, इंडिया का जो लोग इंडियन लोग ज़्यादा करके है लिटिल इंडिया कहते हैं उसको, मस्जिद उनका जो है जलान मस्जिद है, जलान मस्जिद जो है लिटिल इंडिया। तो आप अगर मलेशिया में जाते हो तो लिटिल इंडिया पूछिए, मस्जिद जलान मस्जिद जो है लिटिल इंडिया है, वहाँ काफ़ी सारे इंडियन होटल्स है, इंडियन रेस्टोरेंट्स है, तो उस एरिया में रुकिए, काफ़ी वहाँ काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स है, आपको फील होगा जैसे कि आप इंडिया में हैं, आपको फील होगा जैसे आप तमिलनाडु में हैं। वहाँ रुकिए और वहाँ सारे कुआलालंपुर में बहुत सारे बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स है जहाँ पर वो जो प्रोडक्ट उनका जो मलेशियन प्रोडक्ट है और इम्पोर्टेड प्रोडक्ट जहाँ पर है वहाँ होलसेलिंग प्राइस में बिका जाता है, और बहुत सारे बायर्स इम्पोर्टर्स और मैन्युफैक्चरर्स उनका वहाँ पर शोरूम है, आप वहाँ जाकर भी मीट्स में आप मीट कर सकते हो। तो कितना उनका जो 700 मॉल्स है, ज़्यादा करके मॉल्स जो करीब 100 मॉल्स मलेशिया के अंदर है, तो कौन सा मॉल्स में आपको जाना पड़ेगा मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वो मॉल्स का नाम मैं ऐड कर दूंगा। और अगर मलेशिया में आप अभी फिलहाल नहीं जाते हो तो उनका बहुत सारे मलेशिया में उनका जो ट्रेड पोर्टल्स है, मलेशियन ट्रेड पोर्टल्स है, ईस्ट एशिया का ट्रेड पोर्टल्स है, मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ, स्क्रीन में कुछ दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए स्क्रीन में। इन ट्रेड पोर्टल्स में आप जाइए, ऑनलाइन में जाके आपका कंपनी रजिस्टर करिए एज एन एक्सपोर्टर, और आपका प्रोडक्ट सर्विसेज को ऐड कर दीजिए प्राइस के साथ। आइए कुछ साइट में आपको दिखाता हूँ ऑनलाइन स्क्रीन में। ये जो आपको दिखा रहा हूँ ये जो है मलेशिया का टॉप ट्रेड पोर्टल से, जैसा है अलीबाबा टाइप का, अलीबाबा तो है नंबर वन, अलीबाबा में ऐड कर दीजिए newpages.com.my, malaysia.tradefor.com, जितना साइट देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें जो पहला है newpages.com.my, और जितना साइट आपको दिखा रहा हूँ ये मलेशिया का साइट है, और yellowpages.my ये भी मलेशिया का है, और पूरा आप देख लीजिए। और आपको मैंने जितना साइट आपको बता रहा हूँ ये साइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। और मलेशिया में बहुत सारे क्लासिफाइड साइट्स है, फ्री क्लासिफाइड साइट्स है मलेशिया में, करीब 100 क्लासिफाइड साइट्स है। आपका कंपनी का वेबसाइट होना जरूरी है आपका कंपनी का। आप क्या करिए, मैं डिस्क्रिप्शन में, स्क्रीन में दिखाना संभव नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन में पूरी साइट को, उनका जो पूरी साइट्स है मलेशिया का क्लासिफाइड साइट्स है, वो एक्सपोर्ट के लिए ट्रेडिंग के लिए साइट्स है, मैं आपको इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप पूरी डिस्क्रिप्शन में जाइए, पूरी साइट को आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, हर साइट में जाके आपका कंपनी का वेबसाइट ऐड करिए। देखिए आप जितने कंपनी जितने साइट को आप ऐड करोगे आपका कंपनी, आपका साइट का लिस्टिंग हो जाएगा, और वर्ल्ड वाइड वेब है www जो वेब है उसमें सर्च इंजिन में दिखाई पड़ेगा। इसीलिए ट्राई करिए, मैं जितना साइट आपको दिखा रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, जितना ट्रेड पोर्टल्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन में उन वो सब ट्रेड पोर्टल्स और बहुत सारे हंड्रेड्स ऑफ साइट्स मलेशिया का मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। आप हर साइट में जाइए, आपका कंपनी, आपका ईमेल आईडी और आपका कंपनी का प्रोफाइल, आपका वेबसाइट उसमें लिस्ट कर दीजिए, ताकि आगे सर्च इंजिन में, मलेशिया का सर्च इंजिन में दिखाई दे, ताकि मलेशिया का कोई इम्पोर्टर्स अगर सर्च करता है तो फिर आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, आपका कंपनी दिखाई देगा, वो आपसे इंपोर्ट कर सकता है। ये बहुत जरूरी है, आप डिस्क्रिप्शन में देख लीजिए। और एक ऑप्शन है मलेशिया में, आप जाइए एक्सपो ज्वाइन करिए, एक्सपो यानी एग्जीबिशन में। मलेशिया और सिंगापुर में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा एक्सपो होता है, और दुबई में भी होती है। तो ईस्ट एशिया में सिंगापुर एंड मलेशिया और चाइना तीनों कंट्री में ज़्यादा एक्सपो होता है, और मलेशिया में बहुत एक्सपो होता है। तो आपको मैंने दिखा रहा हूँ कुछ एक्सपो साइट्स यानी एग्जीबिशन ऑर्गेनाइजर एग्जीबिशन साइट्स दिखा रहा हूँ स्क्रीन में, और इस साइट को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ऐड कर दूंगा। तो आप इन एक्सपो में जाइए, एक्सपो में आप चेक करिए कि कौन सा मंथ में
कौन सा एक्सपो कौन सा एग्जीबिशन मलेशिया में होता है और कहाँ पर होता है। ज़्यादा करके पुत्रजया उनका सेकेंड कैपिटल बन रही है अभी, पुत्रजया सिटी, और कुआलालंपुर में ज़्यादा करके उनका जो ये सब एक्सपो होती है। तो आप अगर आपके पास पैसा है, कैपेसिटी है एक्सपो में जाने का, फिर आप एक्सपो में जाइए। लेकिन एक्सपो में जाने से पहले पूरा साइट देख लीजिए। अगर आपका वेजिटेबल प्रोडक्ट है, फ्रूट्स प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग एक्सपो है। अगर आपका एग्रो प्रोडक्ट है, फूड प्रोडक्ट है, उसके लिए अलग एक्सपो है। अगर आपका गारमेंट्स का है, अलग एक्सपो है। कंस्ट्रक्शन मटेरियल अलग एक्सपो है, अलग अलग एक्सपो है। तो आप साइट में वन बाय वन विजिट करिए, हम जो दे रहे हैं साइट, जाके आप जो एक्सपो में है आप पहले बुक कर लीजिए। आपको आप उनको ईमेल करना पड़ेगा कि मैं इंडियन एक्सपोर्टर हूँ, मेरे को अटेंड करना है एक्सपो में, आइदर एज ए विजिटर और एज ए आप पार्टिसिपेट करोगे। अगर आप विजिटर हो गए तो विजिट में जाके आप जास के स्टॉल वगैरह देख सकते हैं, प्रोडक्ट देख सकते हैं। लेकिन अगर आप एक्सपोर्टर हो तो आपको स्टॉल लेना पड़ेगा, वहाँ पर 4-5 लाख रुपये स्टॉल खर्चा आएगा। स्टॉल लेके आपको प्रोडक्ट लेके डिस्प्ले करिए, वहाँ पर आपका विजिटिंग कार्ड, बिजनेस कार्ड और प्रोफाइल रखिए, और वहाँ से आपको काफ़ी ऑर्डर मिल जाएगी। तो देखिए मैं कुछ एक्सपो वेबसाइट आपको दिखा रहा हूँ। ये जो मेन साइट है एक्सपो का, npe.org.my, tentimes.com, afe.my, impex.com.my, न्यू इवेंट, ट्रेड फेयर डेट्स, पूरा देख लीजिए। सो इतने जो एक्सपो साइट आपको दिखा रहा हूँ, इन एक्सपो साइट्स को मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। तो आप हमेशा डिस्क्रिप्शन में जाइए हमारे वीडियो का, डिस्क्रिप्शन से इस साइट को कॉपी पेस्ट करके आप वन बाय वन साइट में चेक करिए, और इन साइट से आपको बहुत सारे मलेशियन कंपनी भी मिल जाएंगे। और हमेशा आप जैसे ही मलेशियन मैंने आपको पहले जो दिखाया एक ट्रेडिंग ट्रेड साइट, B2B ट्रेड साइट में बहुत सारे मलेशिया का येलो पेजेस है, येलो पेजेस में आप सर्च करके मलेशियन इम्पोर्टर्स को आप ढूंढ सकते हैं। और हमेशा ईमेल मार्केटिंग करिए, ईमेल में आप उनको कॉन्टैक्ट करिए, आपका प्रोफाइल भेजिए और उनको मेल भेजिए कि आप क्या क्या प्रोडक्ट आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और मलेशिया में जो है आपको जो अगर विजिट करोगे तो आपका जो प्रोफाइल आप इंग्लिश में बनाइए चलेगा, क्योंकि वहाँ का लोग इंग्लिश समझते हैं, इंग्लिश बोलते हैं। तो हमेशा आप डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने पूरी डिस्क्रिप्शन में पूरी साइट्स डिटेल्स आपको ऐड कर देता हूँ, आप हमेशा जाके चेक कर लीजिए। बाकी आपको मलेशिया में या कोई भी कंट्री में जैसे कि कोई ऑर्डर मिलता है, आपको कैसे मालूम पड़ेगा कि अगर ये ऑर्डर जेन्युइन है या फ्रॉड है, कैसे मालूम पड़ेगा? हमेशा आप कंपनी का प्रोफाइल देखिए, कंपनी का जो ईमेल्स आपको, कोई कंपनी आपको ईमेल भेजती है तो कंपनी का ईमेल अगर है तो कंपनी का खुद का जो डोमेन होना चाहिए। एग्जांपल जैसे कि हमारा कंपनी है, हमारा कंपनी का नाम है ट्यूबरोज कॉरपोरेशन, तो हमारा वेबसाइट है tuberosecorporation.com और हमारा ईमेल होगा info@tuberosecorporation.com। अगर मैंने कोई जीमेल में बनाता हूँ tuberosecorporation@gmail.com तो ये जेन्युइन नहीं लगेगा। इसलिए आप हमेशा कोई भी मेल, इनकमिंग मेल आता है आपके पास आता है तो आप देखिए कौन सा मेल से मेल आया है। अगर जीमेल में आया है तो आप कंपनी का प्रोफाइल पूछिए, उनका वेबसाइट पूछिए, और वेबसाइट में आप अगर कोई कंपनी का ईमेल आता है तो ईमेल, अगर आपको कोई ईमेल दिखाई देता है info@--.com तो आप वो डोमेन को कॉपी करके पेस्ट करके आप चेक कर सकते हैं कि ये कंपनी कहाँ का है, और कंपनी का डिटेल्स कॉन्टैक्ट और पेज में जाकर आप चेक कर सकते हैं। और आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी का कैपेसिटी क्या है, कंपनी कहाँ पर लोकेटेड है, सब कुछ आपको मालूम पड़ेगा कि उनका वेब डोमेन के ऊपर। तो मैंने आपको डिटेल्स बता दिया मलेशिया का एक्सपोर्ट के बारे में, कैसे आप इंडिया से एक्सपोर्ट करोगे मलेशिया और कैसे आप वहाँ से ऑर्डर लोगे, मैंने आपको डिटेल्स बता दिया। हमेशा आप हमारा वीडियो में डिस्क्रिप्शन में पूरी साइट्स, ट्रेड साइट, B2B ट्रेड साइट्स, क्लासिफाइड साइट्स और एक्सपो साइट्स कॉपी पेस्ट करके आपका रजिस्टर करिए आपका कंपनी का। और हमेशा अगर आप एक नया एक्सपोर्टर हो, आपका डोमेन आईडी बनाइए, डोमेन रजिस्ट्रेशन करके आप वेबसाइट बनाइए और आप प्रोफाइल बनाइए, अच्छा प्रोफाइल बनाइए, उसके बाद आप कंपनी को कॉन्टैक्ट करिए। और एक रास्ता है ऑर्डर लेने का, मलेशिया में आप खुद का कंपनी रजिस्टर करके मलेशिया में, वहाँ आप मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव आप रख सकते हैं जो इम्पोर्टर्स को, बायर्स को ढूंढेगा और ऑर्डर लेगा, फिर आप इंडिया से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। मलेशिया में
भी अगर आप कंपनी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हो तो आप वहाँ पर कोई भी लॉयर, लॉ फर्म्स या कंसल्टेंट्स को आप बात कर सकते हैं। गूगल में सर्च करिए कि कंपनी फॉर्मेशन कंसल्टेंट्स इन मलेशिया, तो आपको रेट वगैरह पता चल जाएगा। आपको करीब 2000-3000 रिंगिट में आपको कंपनी बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको वहाँ रेसिडेंसी लेना है, बिजनेस करना है, तो आपको ज़्यादा खर्चा करना पड़ेगा। उसके लिए आपको कंसल्टेंट एक्सप्लेन करेंगे। अगर आपको हमारे कंपनी का मदद चाहिए, असिस्टेंस चाहिए, तो हमारे कंपनी ट्यूबरेज कॉर्पोरेशन हमेशा ट्रेडर्स, एक्सपोर्टर्स और बिजनेस हाउसेस के साथ काम करता है। आपको कैसा, आप कैसे बिजनेस प्रमोशन करोगे, एक्सपोर्ट कैसे प्रमोशन करेंगे, एक्सपो में कैसे भाग लोगे, ऐसा हम एडवाइस देते हैं। अगर मलेशिया में आप एक्सपो में जॉब देना है या आप मलेशिया में कंपनी फॉर्मेशन करना है, वहाँ पर दुकान खोलना है, आपको शोरूम खोलना है, कुछ फैक्ट्री स्टार्ट करना है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, हमारी कंपनी को, हमारी कंपनी आपको मदद करेगा। मलेशिया में या वर्ल्ड में कोई भी कंट्री में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, मलेशिया में या कोई भी कंट्री में कैसे आप कंपनी स्टार्ट करोगे, सेटअप करोगे, या फैक्ट्री का कैसा स्टार्ट करोगे, एक्सपोर्ट कैसा करोगे, या एक्सपो में कैसा जाओगे, वीजा वगैरह हम लोग आपको एडवाइस देंगे। कंसल्टेंसी एज ए कंसल्टेंट जैसे आपका आपके लिए काम करेंगे। अगर आपको इंटरेस्टेड है, आप हमारा जो नीचे दिए गए जो ईमेल आईडीज है उसमें आप हमें ईमेल करिए, तो हम आपको पूरी तरह असिस्ट करेंगे। आशा करते हैं हमारा ये वीडियो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगा। आप अगर इंडियन एक्सपोर्टर हो या कोई भी इंडियन नेबरिंग कंट्रीज के एक्सपोर्टर हो, तो मलेशिया एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो अगर आपको हमारा असिस्टेंट चाहिए, आप हमें कॉन्टैक्ट करिए, एक्सपोर्ट करिए, हमारा देश को आगे बढ़ाइए, ताकि कुछ सालों में हमारा देश भी मलेशिया जैसा एक मॉडर्न और रिच कंट्री बन जाएगी। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, हमारा वीडियो का आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आगे का जो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए, और वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, ताकि हमें और वीडियो बनाने की इंस्पायर मिलेगा, और आगे बहुत सारे कंट्रीज का हम वीडियो बनाते हैं। फिलहाल हम बहुत सारे कंट्रीज का वीडियो बना चुके हैं, जैसा कि यूएई, कतार, मलेशिया, सऊदी अरबिया, रशिया, यूक्रेन, आर्मेनिया, बहुत सारे कंट्री का वीडियो बना चुके हैं। आगे हम हमारा कंपनी आगे बहुत सारे कंपनी का वीडियो, बहुत सारे कंट्रीज का वीडियो बनाएंगे। हमें इंस्पायर करिए, हमें लाइक करिए, हमारा जो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।